हर महीने रिलीज होने वाली मूवीज और वेब सीरीज की अपडेट हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, और अब हम फरवरी के महीने में रिलीज होने वाली मूवीज और वेब सीरीज की अपडेट के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम 15 ऐसी मूवीज और वेब सीरीज की बात करने वाले हैं जो कि फरवरी के महीने में रिलीज होगी, तो लिस्ट को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लूप लपेटा एक अपकमिंग मूवी है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आकाश भाटिया और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है सोनी पिक्चर्स। फिल्म में लीड रोल में दिखेंगी तापसी पन्नू, ताहिर भसीन, और ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक होगा एक जर्मन फिल्म का जिसका नाम था रन लोला रन। हाल ही में इस फिल्म को अनाउंस किया गया है और इस फिल्म के ट्रेलर को भी लॉन्च कर दिया गया है। फिल्म में तापसी पन्नू और उनका बॉयफ्रेंड एक मुसीबत में होते हैं और तापसी उसे उस मुसीबत से बचाते हुए दिखती है। इस फिल्म की कहानी में आपको एक अच्छा थ्रिल देखने को मिलेगा और ट्रेलर से लग रहा है कि ये फिल्म आपको काफी पसंद आ सकती है। इस फिल्म के रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। ये फिल्म 4 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। मैं बंदूक निकालूंगा, मैं बोलूंगा हैंड्स अप। रॉकेट बॉयज एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसे हाल ही में ही सोनी लिव ने अनाउंस किया है। वैसे तो इस वेब सीरीज की चर्चा काफी समय से थी, मगर अब फाइनली ही इस वेब सीरीज के रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। वेब सीरीज में लीड रोल में देखेंगे जिम सर्व और इशाक सिंह। इस वेब सीरीज में दिखाया जाएगा इंडिया के फेमस साइंटिस्ट को और उनके एक मिशन को जो इंडिया के लिए रॉकेट बनाना चाहता है। कहानी है विक्रम साराभाई और होमी भाभा की। विक्रम साराभाई और होमी भाभा जो कि इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनके ही कॉन्ट्रीब्यूशन को इस सीरीज में डिटेल में दिखाया जाएगा। साथ ही इस वेब सीरीज में एपीजे अब्दुल कलाम को भी दिखाया जाएगा। तो अगर आप साइंस बेस्ड मूवी और वेब सीरीज को पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज भी आपको काफी पसंद आ सकती है। ये वेब सीरीज 4 फरवरी को सोनी लिव पर रिलीज होने वाली है। द ग्रेट इंडियन मर्डर। 4 फरवरी को ही एक और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर, और इस वेब सीरीज को भी हाल ही में अनाउंस किया गया था और इस वेब सीरीज का भी ट्रेलर आ गया है। सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया और ये वेब सीरीज बेस्ड होगा एक नॉवल पर जिसका नाम है 6 सस्पेक्ट, और इस वेब सीरीज को लिखा है स्लमडॉग मिलियनेयर के ऑथर ने ही जिनका नाम है विकास स्वरूप। सीरीज में लीड रोल में नजर आने वाले हैं प्रतीक गांधी और ऋचा चड्ढा। इस वेब सीरीज में एक मर्डर मिस्ट्री को दिखाया जाएगा। इसके साथ एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाएगा जिसमें एक पॉलिटिशियन का बेटा इन्वॉल्व होता है। अगर आप क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज भी आपको काफी पसंद आ सकती है, क्योंकि इसके ट्रेलर से ये वेब सीरीज भी इंटरेस्टिंग लग रही है। और ये वेब सीरीज 4 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। बिफोर यू डाई एक अपकमिंग मूवी है और इस फिल्म को भी हाल ही में अनाउंस किया गया है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शुभेंदु घोष और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रदीप चोपड़ा। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे पुनीत राज शर्मा, काव्या कश्यप। सीरीज की कहानी बेस्ड होगी कैंसर पेशेंट की लाइफ पर और उसकी स्ट्रगल्स पर, जो कि आपको काफी इंस्पायरिंग लग सकती है। मूवी की कहानी से आपको काफी मोटिवेशन भी मिल सकता है। मूवी के अनाउंसमेंट के बाद से ही लोग फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है और ये फिल्म 4 फरवरी को रिलीज होने वाली है। मून फॉल एक अपकमिंग साइंस फिक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रोलैंड एमरिच। फिल्म में लीड रोल में थे हेल बेरी, जॉन ब्रैडली और माइकल पेना। इस फिल्म की शूटिंग मॉन्ट्रियल में हुई है और ये एक बिग बजट मूवी होने वाली है। फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि मून पर अननोन फोर्स के चलते वो अपने ऑर्बिट से हट रहा है और ये जानना सबके लिए इंटरेस्टिंग होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज को पसंद करते हैं तो ये फिल्म भी आपको काफी पसंद आ सकती है। ये फिल्म भी 4 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। रैचर एक अपकमिंग वेब सीरीज है। वैसे तो इस सीरीज के अनाउंसमेंट 2020 में ही कर दी गई थी, मगर कोविड के चलते सीरीज काफी डिले हुई। इस वेब सीरीज को लेके आ रहा है अमेज़न प्राइम। ये सीरीज बेस्ड होगा एक नॉवल पर जिसका नाम था किलिंग फ्लोर। सीरीज में लीड रोल में नजर आएंगे एलन रिसन, मैलकॉम गुडविन। सीरीज के पहले सीजन में कुल 8 एपिसोड्स होंगे, और अगर आप अच्छे एक्शन और थ्रिलर वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। ये वेब सीरीज 4 फरवरी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो रही है। गहराइयां अमेज़न प्राइम की एक अपकमिंग मूवी है। इस फिल्म को हाल ही में अनाउंस किया गया है और आप ये कह सकते हैं कि फरवरी में रिलीज होने वाली है सबसे बड़ी मूवीज में से एक है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर। ये फिल्म एक लव स्टोरी होगा, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी होगा। फिल्म में दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे कजन के रूप में नजर आएंगी, और दीपिका पादुकोण इस फिल्म में आपको काफी अलग नजर आने वाली है। वैसे तो फिल्म पहले जनवरी एंड में रिलीज होने वाली थी, मगर फिर से डिले हो गई और अब ये फिल्म फरवरी में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 11 फरवरी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगा। बधाई दो एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है। फिल्म को वैसे काफी पहले अनाउंस कर दिया गया था और ये फिल्म काफी समय से डिले चल रही थी, लेकिन अब फाइनली ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म के ट्रेलर को भी लॉन्च कर दिया गया है। आपको इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आएगा। फिल्म की कहानी में LGBT कम्युनिटी की कहानी को दिखाया जाएगा, साथ ही फिल्म में एक फेक शादी को दिखाया जाएगा। फिल्म की कहानी एक अच्छे कॉमेडी से भरी होगी जिसमें एक इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन भी होगा। हाल ही में इस फिल्म के रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। ये फिल्म 11 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। छोटा सा ही है, अरे तो फिर क्यों नहीं हो रहा बच्चा?
छोटा नहीं है। मेरे देश की धरती अपकमिंग मूवी है। इस फिल्म की अनाउंसमेंट भी काफी पहले हो गई थी और ये फिल्म भी काफी डिले हुई है। फिल्म में लीड रोल में है दिव्येंदु शर्मा और अनंत वधान और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं फराज हैदर। फिल्म की कहानी है दो यंग इंजीनियर्स की जो कि अपने गांव आते हैं और वहां की फार्मिंग में रेवोल्यूशनरी चेंज करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये फिल्म की कहानी आपको थोड़ी सुनी सुनाई भी लग सकती है लेकिन फिल्म की कहानी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। इस फिल्म के भी रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। ये फिल्म 11 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। अनचार्टेड एक अपकमिंग एक्शन एडवेंचर मूवी है। फिल्म में लीड रोल में होंगे टॉम हॉलैंड जो कि स्पाइडरमैन मूवी से काफी फेमस हुए हैं, साथ ही मार्क वाहलबर्ग। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रूबेन फ्लेशर। इस फिल्म की कहानी एक गेम पर आधारित होगी और उस गेम का भी नाम है अनचार्टेड और एक बहुत ही फेमस गेम है। फिल्म के ट्रेलर से लग रहा है कि फिल्म में आपको अच्छा एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा और अगर आप भी किसी अच्छे एक्शन एडवेंचर मूवी की तलाश में है तो फरवरी में इस मूवी को जरूर देखें। ये फिल्म भी 11 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। डेथ ऑन द नाइल एक अपकमिंग मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं केनेथ ब्रांगा और फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं गैल गैडोट, टॉम बैटमैन, रशल ब्रांड और अली फजल जो कि एक इंडियन एक्टर है और पहले कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी नजर आ चुके हैं वो इस फिल्म में भी नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक अच्छी मिस्ट्री और थ्रिल से भरी होगी और फिल्म की कहानी में कुछ डिटेक्टिव्स को भी दिखाया जाएगा जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए दिखेंगे। अगर आप मिस्ट्री मूवीज को पसंद करते हैं तो ये फिल्म भी आपको काफी पसंद आने वाली है और ये फिल्म भी 11 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। इन्वेस्टिंग एना एक अपकमिंग मिनी सीरीज है जिसे अनाउंस किया है नेटफ्लिक्स ने। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी जूलिया गार्नर। फिल्म की कहानी एक लड़की की है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही होती है क्राइम को और जिसे वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है वो एक फेमस आदमी होता है जिसके चलते इस पूरी कहानी पर सबकी नजर होती है। इस वेब सीरीज की भी कहानी पूरी तरह से थ्रिल और मिस्ट्री से भरी है और ये वेब सीरीज भी 11 फरवरी को रिलीज होगी। You have to work hard to get what you want. I've always known that. I'm building something. It's a private club. A step beyond the VIP room. Rumble एक अपकमिंग एनिमेटेड मूवी है और ये फिल्म पूरी तरह से कॉमेडी से भरी हुई है। अगर आप एनिमेटेड मूवीज को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको काफी पसंद आएगी। वैसे तो ये फिल्म 2021 में रिलीज हो गई थी मगर इंडिया के साथ कई और देशों में ये मूवी अब तक रिलीज नहीं हुई थी और अब फरवरी के महीने में ये मूवी रिलीज होने जा रही है। फिल्म में कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया गया है और ये मॉन्स्टर्स इस फिल्म में रेसलिंग करते हुए दिखेंगे और उस रेसलिंग गेम को इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। अगर आप भी ऐसी किसी कॉमेडी एनिमेटेड मूवीज की तलाश में हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। ये फिल्म 18 फरवरी को रिलीज हो रही है। The discipline to become the next champion. What? I think that's enough for today. The Marvelous Mrs. Maisel Season 4. The Marvelous Mrs. Maisel Season 4 एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसे Amazon Prime पर अनाउंस किया गया है। इस सीरीज के पहले 3 सीजन आ चुके हैं और ये चौथा सीजन होगा। फिल्म में लीड रोल में दिखेंगी रेचल। फिल्म की कहानी में एक लड़की को दिखाया गया है जिसे कॉमेडी करना पसंद है और वो कॉमेडियन बनना चाहती है लेकिन क्या उसकी ये ड्रीम पूरी होती है इस सीरीज में देखना आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इस वेब सीरीज में भी आपको काफी अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी और ये वेब सीरीज 18 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। How the business works. Then let's change the business. Ready or not, here comes. Space Force Season 2 नेटफ्लिक्स की एक अपकमिंग सीरीज है। ये भी कॉमेडी टेलीविजन सीरीज है। फिल्म में लीड रोल में है ग्रेग डेनियल्स और स्टीव कैरल। इस वेब सीरीज का पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था जो कि काफी सक्सेसफुल रहा था और अब इसके दूसरे सीजन से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। स्पेस फोर्स सीजन 2 भी 18 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों इन सभी मूवीज और वेब सीरीज में से आप किस मूवी और वेब सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।